सबसे पहले एक सलाह, अगर आप ईयरफोन्स लगा लें तो आपको ज़्यादा अच्छा सुनाई भी देगा, समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी में है 4 प्रश्न। श्रीलंका में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री का पद किसे सौंपा गया है? उत्तर है सी, महिंद्रा राजपक्षे। हंसते हंसते याद कीजिए कि महिंद्रा कार वालों को श्रीलंका में ये तीनों पद दे दिए गए। डिस्कस कर लेते हैं ये हुआ क्यों। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं, जिन्होंने अपने बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे को पीएम बनाने के साथ ही रक्षा और वित्त विभाग भी दे दिए। साथ ही इन्होंने अपने एक अन्य भाई चमल राजपक्षे को कारोबार और खाद्य सुरक्षा मंत्रालय भी दे दिया। इसी को कहते हैं परिवारवाद। अब एक थोड़ा चौंकाने वाला प्रश्न, भारत किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त उत्सव आयोजित करके राजनयिक यानी पॉलिटिकल संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाएगा? उत्तर है डी, चीन। जी हाँ, चीन। तो हिंदी चीनी भाई भाई। डिस्कस कर लीजिए, भारत और चीन के राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त उत्सव आयोजित किए जाएंगे 2020 से। इसमें चलेंगी वर्ष भर की गतिविधियां, जिसमें दोनों सभ्यताओं के साथ साथ ऐतिहासिक जुड़ाव भी दर्शाया जाएगा। मार्शल आर्ट, पारंपरिक खेल, उद्यम आदि से संबंधित गतिविधियाँ इसका हिस्सा होंगी। NIA और क्वाड देशों, इनके बारे में आपको बताऊंगा, के बीच पहली बार आतंकवादी विरोधी अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? उत्तर है ए, दिल्ली। तो दिल्ली तो दिलवालों की है, तो जहां दिलवालों की बात होती है वहां आतंकवाद कैसे हो सकता है, ऐसे याद कीजिए। आइए डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 21 और 22 नवंबर को नई दिल्ली में क्वाड देशों के आतंकवादी विरोधी अभ्यास की पहली बार मेजबानी की है। क्वाड देशों में आते हैं USA, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और इस अभ्यास का उद्देश्य था आतंकवादी खतरों के मद्देनजर रेस्पॉन्स सिस्टम को चेक करना। शॉकिंग न्यूज, किस देश के प्रधानमंत्री को रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी से जुड़े 3 मामलों में आरोपित बनाया गया है? सी, इसराइल। याद कीजिए हंसते हंसते कि PM फंसे रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी की फाइल में, और कहीं नहीं इसराइल में। आइए डिस्कस करते हैं। इसराइल के अटॉर्नी जनरल ने PM बेंजामिन नेतन्याहू को 3 अलग अलग मामलों में आरोपित किया है। ऐसा इसराइल में पहली बार हुआ है। साथ में ये भी जान लीजिए, इसराइल की राजधानी है यरूशलम और मुद्रा है इसराइली नई शेकेल। राष्ट्रीय कैटेगरी में 4 प्रश्न। केंद्र सरकार की ओर से जारी डॉक्यूमेंट्री मूवी शिखर से पुकार की विषय वस्तु यानी कि थीम क्या है? ए, जल संरक्षण। याद कीजिए हंसते हंसते, शिखर से आई पुकार, जल रक्षण करो हर बार। डिस्कस करते हैं। केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 22 नवंबर को नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान को बढ़ावा देने वाली यह मूवी जारी की, जो कि IAS अधिकारी रविंद्र कुमार की जीवन यात्रा पर आधारित है। इस मूवी में भारत में पानी की जरूरतों के मुख्य स्रोत के रूप में हिमालय के महत्व को समझाया गया है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने प्लास्टिक पार्क, जी हाँ प्लास्टिक पार्क, स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है? उत्तर है सी, 6। याद कीजिए हंसते हंसते कि प्लास्टिक पार्क में मारेंगे हम छक्के, इससे आपको याद रहेगा। डिस्कस कर लीजिए, यह 6 पार्क असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और तमिलनाडु में स्थापित किए जाएंगे, और इन पार्कों के माध्यम से घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को मर्ज करके आम सुविधा प्रदान की जाएगी। भारतीय नौसेना में, ध्यान से सुनिए, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट के रूप में किसे शामिल किया जा रहा है? ए, लेफ्टिनेंट शिवांगी। याद कीजिए हंसते हंसते कि जो कि स्वयं शिव का अंग हैं, वो जा रही है नौसेना में और बनेंगी महिला पायलट। इनके बारे में जान लीजिए, बिहार के मुजफ्फर निवासी हैं ये लेफ्टिनेंट शिवांगी, जो कि 2 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट के रूप में शामिल होंगी, जो कि फिक्स्ड विंग डोर्नियर सर्विलांस विमान उड़ाएंगी। केंद्र सरकार ने किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विलय यानी मर्जर की योजना बनाई है? आप ये भी जान लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश वो होते हैं जिन पर सीधे केंद्र का शासन होता है। उत्तर इसमें यहाँ पर आता है सी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। याद कीजिए हंसते हंसते, दादरा और दमन, इनको एक करेंगे हम। डिस्कस कर लीजिए कि केंद्र सरकार की ओर से दादरा नगर हवेली और दमन दीव का जल्द ही विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, और अगले सप्ताह तक इस संबंध में निर्णय ले लिए जाने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न राज्य से, 2019 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश के किस हिस्से में सर्वाधिक सड़कें बनी हैं? ए, जम्मू कश्मीर। इसको ऐसे याद रखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जम्मू कश्मीर। और ये डिस्कस कर लेते हैं, देश में 2019 की सर्वाधिक सड़क लंबाई जम्मू कश्मीर ने प्राप्त की है, जहां 1838 बस्तियों को जोड़ते हुए लगभग 11,400 किलोमीटर पूरे किए गए हैं। ये योजना एक मेगा फ्लैगशिप योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है। महत्वपूर्ण दिवस, विश्व COPD दिवस। COPD की फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़।
इस दिवस का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? बी 21 नवंबर, इसको याद रखिएगा और डिस्कस कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज की ओर से हर वर्ष नवंबर के तीसरे बुधवार को यह दिवस मनाया जाता है, जो कि पहली बार 1997 में मनाया गया था। 2019 के लिए इस दिवस की थीम है ऑल टूगेदर टू एंड COPD। अगला प्रश्न पुरस्कार से, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? उत्तर है डी यानी कि बी और सी दोनों। नाम है ग्रेटा थनबर्ग और दिविना मलूम। हंसते हंसते याद कीजिए, ग्रेटा का दीवाना यानी कि ग्रेटा और दिविना, इससे याद रहेगा आपको। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार सन 2005 से प्रत्येक वर्ष डच किड्स राइट संगठन की ओर से दिया जाता है और जो ग्रेटा थनबर्ग हैं स्वीडन की निवासी हैं, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष में योगदान दे रही हैं, जबकि दिविना मलूम कैमरून में शांति कार्यकर्ता हैं। अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस देश के कप्तान ने बनाया है? सी भारत, जी हाँ ये बनाया है अपने ही विराट कोहली ने। आइए डिस्कस करते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की मात्र 86वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल कर ली, कोलकाता में खेले गए बांग्लादेश के खिलाफ मैच में, ईडन गार्डन्स में, जो था डे नाइट टेस्ट मैच, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 97वीं पारी में 5000 रन बनाए थे। और ये भी जान लीजिए, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के रूप में 5000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय और एशियाई खिलाड़ी भी बने हैं। आज का प्रश्न है ये, कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित क्रिकेट मैच किस रंग की गेंद से खेला गया? पिछले वीडियो का प्रश्न था ये और उसका उत्तर है ये।